मैं चेन्नई आई हूँ इसी एक रीजन की वजह से। देखो सांते ने तब से। अरे पहले हाथ हाथ धो फिर मुंह में डालो वो। मुझे सबसे खासियत ये वाला चीज लगा, ये जरूर करना सांते सर पेटूटा सर। Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. हमारा दर्शन करना होगा विनायकरा मंदिर जो पंडिचेरी में सबसे फेमस है। यहाँ पे सबसे फेमस चीज जो हाथी है ना, वो हाथी अभी नहीं है, गणपति का मंदिर है। आज पहली बार मैं लाइफ में पूरी जो क्या बोलते हैं उसको सेवा पूरा जो मतलब आफ्टरनून में जो पूरा स्नान से लेके अभिषेक से लेके शायद भोग तक का पूरी प्रोसीजियर देखा, तो वाओ अलग एक्सपीरियंस मेरे लिए। इसको रिक्शा, सॉरी रिक्शा, रिक्शा वो है पर्मनेंट, पर्मनेंट एकदम सामने बीच है। रूम पे आके थोड़ा ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि लॉन्ग ड्रेस पहनी थी ना, तो चप्पल पहना था। चप्पल पहन के मैं पूरा वॉकिंग नहीं कर सकती, और इतनी पांडिचेरी में वॉकिंग मैंने किया है शायद बहुत ही कम जगह पे इतना वॉकिंग किया है। हाँ जैसे वॉकिंग के टाइम अलग है लेकिन घूमने के टाइम। हेलो सांतनु, घर देखो ओल्ड स्टाइल घर, माई गॉड ओल्ड घर ही है, जस्ट अभी रिनोवेट करके रखा हुआ है दोनों तरफ। तमिलियन स्ट्रीट है यहाँ पे, गलियों इस तरह से। ये पुराना तमिलियन घर है किसी का, मतलब रंगोली दिया है सुबह में इस तरह से, डेली रंगोली देते हैं। और ये उनका घर है, किनका घर है पता नहीं, जैसा भी है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बरांडा टाइप का बैठने के लिए दोनों साइड में, और एक घर है, सिर्फ घर देखते जाओ। खाना खा के हम लोग पूरी दोपहर घूम रहे हैं, चली रहे पांडिचेरी को भी हम लोग, मतलब पैदल चल के, चलती का नाम है गाड़ी, पैदल चल के पूरा आधा पांडिचेरी मतलब हम लोग खत्म कर लिए। चलो छवि की सिर्फ फोटो खींच रहे। चलिए आओ, और ये चॉकलेट हेवन में ना डूबो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनिक चॉकलेट, ऑर्गेनिक चॉकलेट केक, ऑर्गेनिक आइसक्रीम, जिलेटो, और डार्क एकदम। पांडिचेरी में अगर आप आ रहे हो तो चॉकलेट केक, क्रोजो, बेकरी आइटम ये सब तो जरूर करना, कॉफी जरूर पीना। पांडिचेरी में और एक खासियत मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे लेदर की चप्पल, हैंडमेड लेदर की चप्पल बहुत इजीली मिलता है, रेडीमेड में इस तरह से ले सकते हो जो बनाया हुआ है, और आप कस्टम मेड भी करा सकते हो कोई भी डिज़ाइन या कलर से। जैसा मैंने आफ्टरनून में देखे गई थी एक डिज़ाइन, और कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने चूज़ किया था चिवनी की, अलग टाइप का डिज़ाइन अगर आप दे रहे हो तो वो लोग दो तीन दिन टाइम लेते हैं, अदरवाइज 3-4 घंटे में बना देते। जैसा मैंने ये आफ्टरनून में डिज़ाइन और नाप जो है वो देखे गई थी, तो 2-3 घंटे बाद उन्होंने बना के दिया था, और येलो कलर में मैंने बनाया। और यहाँ पे लेदर के चप्पल बहुत सस्ते में होता है, रेडीमेड जो होता है वो 400 रुपीज से स्टार्ट होता है। कस्टम मेड चप्पल ये फेमस है पांडिचेरी का, अच्छा लगा। My life was great till you added colors. सांत्वना भी चाय बना रहा, देखो एक्चुअली यहाँ पे ना ये मुझे बहुत, अगर आपके घर पे जगह है तो ये जरूर करना। सांत्वना सर पेटूटा सर, सांत्वना का पेटू खा के बढ़ गया पांडिचेरी, ऑब्वियसली होना तो चाहिए ना थोड़ा बहुत। एक्चुअली यहाँ पे इस टाइप का देखो रैक, इस टाइप का हमारे घर पे बहुत रहता ही है, किसी कारपेंटर से सिंपल ही बना सकते हो, लेकिन उसको हम कैसे करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक चॉकबोर्ड तो जरूर है। हाँ, आलू पोस्तू बनाया या मटर का सब्जी बनाया या पूरी बनाया या कुछ भी बनाया, तो वो लिखना, वो डेली यूज होता है। यहाँ पे सब जो है ना, ये चाय का डब्बी है, चाय अगर कोई शौकीन है तो इस टाइप का, चीनी शुगर ये सब देखो, कॉफी स्टेशन कितना इजीली बना सकते हो। ऐसा यूज करना चीजें जो आपको यूजफुल लगे और आपको कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं है सर।
ये मॉर्फेरी चटकी है, लेकिन सिरेमिक का केटल में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। पूरी जो डाइनिंग टेबल है इस तरह से ही है, डाइनिंग एरिया ये बना रहा है। गुड़ भी ले सकता है, लेकिन ये जो लिखा चाय है ना, उसके साथ गुड़ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये चाय तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सांतरों को ये बहुत पसंद है, सांतरों ने लिखा चाय बहुत अच्छा बनाता है। ये वाला चाय जरूर पीना, अर्ली ग्रे एक बार पी के जरूर देखना। ऑरेंज जूस हल्का फ्लेवर और टिप 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 टिप, कैसा बना है, बहुत अच्छा। काला वाले चाय के साथ यहाँ पे रात का व्यू, शांति शांति, बहुत शांति है। और यहाँ पे सांतनु रिलैक्स कर रहे हैं, आउम कर रहे हैं। My life was great till you added colors. ब्लैक कॉफी के साथ गुड मॉर्निंग। अभी ना मैं ब्लैक कॉफी का बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ, चाय से ज्यादा कॉफी मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन घर पे कॉफी छतों में अलाउ नहीं करते। और यहाँ पे छत पे वाओ की हवा है, ठंडे ठंडे हवा के साथ क्या नजारा। पांडिचेरी का छोटा छोटा बिल्डिंग्स, हेरिटेज ओल्ड बिल्डिंग्स, मैक्सिमम ओल्ड बिल्डिंग ना। छत पे आने का छत हमारे बचपन से एक बहुत एक नारियल नारियल अन्ना, तोड़ लो तोड़ लो नारियल को। ये है, ये किसी का और का प्रॉपर्टी है, ये मेन स्ट्रीट है, हाँ, किसी और का प्रॉपर्टी। देखो एक एक घर ही बहुत सुंदर, मैं तो सिर्फ घर ही देख रही हूँ सबका। ये साइड में किसी और का प्रॉपर्टी है, ये भी अलग टाइप का डिजाइन है। और अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, तो बाय बाय पांडिचेरी। अभी हम लोग चेन्नई जाएंगे, बाय बाय दादाजी का हाउस, नाना जी का हाउस, किसी ना किसी को तो था, तो वैसे ही बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी या फिर से आए हैं और का बेकरी में। आज तो एकदम आज तो बहुत कुछ था, आज बहुत कुछ है, हमने कुछ ले लिया चॉकलेट। यहाँ पे अगर आपको लेना है ना, तो आपको मतलब मॉर्निंग के टाइम अगर आपको टॉक चाहिए सुबह सुबह मॉर्निंग में। मैंने तो बहुत कुछ ऐसा मुंबई पे भी ट्राई नहीं किया, उस टाइप की चीजें यहाँ पे मिल रहा है। चॉकलेट केक बहुत फेमस है, वुड फायर ओवन में होता है। यहाँ पे बास्केट भी बिक रहा है। मुझे सबसे खासियत ये वाला चीज लगा, ये इस टाइप का चीज है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। रास्ते के जस्ट साइड में समुंदर, वाह, बीच साइड एकदम रोड। की बोलना सब्जी मुझे याद नहीं, नाम ये सीख है। मटन सूखा है, चुक्का चुक्का बोल, मटन चुक्का। ये है चिकन ग्रेवी, चिकन ग्रेवी। और ये व्यंजनम फिश फ्राई, वंजरम फिश फ्राई, स्वीट। और ये जैकफ्रूट का सब्जी, ये कुछ सब्जी, ये नाम बहुत, क्या नाम बोला भूल गया, याद नहीं है। कैसा खाना, मुझे तो साउथ इंडियन खाना कुछ भी दे दो। अभी हम लोग आए हैं चेन्नई जाते हुए, हम लोग अभी आज चेन्नई जा रहे हैं महाबलीपुरम। मैं मम्मी पापा के साथ आई थी जब कॉलेज में पढ़ती थी या स्कूल में पढ़ती थी, इतने सालों बाद पूरी जगह चेंज हो चुका है। ये है महाबलीपुरम का मंदिर, हाँ हाँटो सामने से एकदम बीच के साइड में महाबलीपुरम मंदिर। मुझे मैं कितना कोशिश कर रही हूँ फ्लैशबैक करने की, याद नहीं है, हाँ इलेक्ट्रिक शॉक तो याद क्या आ रहा है पता, याद लाने के लिए, हाँ नहीं याद क्या आ रहा है, वहाँ पे एक रॉक है उस पर चढ़ के समुंदर देखा था वो याद है, क्योंकि ये बोलता है ना जो आपका पसंदीदा है वही याद आता है। I'm the landscape you need to see, you are the artist I'll never be, I'm so sorry I never stay, overreact and just walk away. लिजर्ट नहीं है, गिरगिट्टी बोलते हैं हम लोग, ये कलर चेंज होता है, कैमेलियन, चमेलियन नहीं कैमेलियन, क्या वो देख रहे इधर उधर सबको, इधर यहाँ पे बैठा हुआ।
चल चमेली, अरे चमेली चला साला। Take me back to the place I know. I have the power to let things go. I'm so lost I can't see the shore. You know what that means, we've been here before. I lose my self-restraint. I think we're done, then you add more pain. I calm down and watch it dry. And there it is. एक्चुअली एक्टिव मंदिर नहीं है, एक टाइम पे मंदिर था, ये बहुत वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा था. हाँ. तो उसको जस्ट वो प्रिजर्व करने के लिए ये मॉन्यूमेंट है. हाँ, कोई मंदिर नाउ एज अ मॉन्यूमेंट. हाँ, नॉट ए टेंपल, क्योंकि वो टेंपल को मतलब जो बोलते हैं ना भगवान को एनर्जी देने के लिए 12 इयर्स बाद कुछ पूजा होता है, समथिंग कुछ तो होता है, तो वो नहीं होता है यहाँ पे. एक्चुअली ये बहुत पुराना है. एक शिवा का है सामने और पीछे विष्णु का है. जो पीछे वाला दिख रहा है ना, ये विष्णु का है, तो वो अभी बंद कर दिया 2012 में. जो एक 2012 में बोला 12 ईयर कुछ तो सुनामी नहीं, अच्छा. अरे वो कुछ साइक्लोन आया था ना इधर चेन्नई की तरफ, उसके वजह से थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है, तो उधर जाने नहीं दे रहे थे. लेकिन जगह बहुत सुंदर है. ये देखो, ये दीदी को हिंदी बोलना आता है, तमिल यार फिर भी हिंदी बोलना आता है. अच्छा लगा. ये सब है, काफी सारे स्टोन का सामान है यहाँ पे, छोटा छोटा. यहाँ पे ना हिंदी मतलब बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेगा. ये देखो, ये कैंडल और वो देने के लिए छोटा सा. यहाँ पे पत्थर का चीज़ है, ये सिलवट्टा वगैरह बहुत सुंदर सुंदर था. मुझे ले जाने का मन कर रहा है, लेकिन इतना हेवी है और छोटा छोटा इस टाइप का है. लेकिन बड़ा वाला पत्थर का बड़ा बड़ा मूर्ति है, और ये सिलवट्टा तो मुझे फेवरेट लगा. ये एक रॉक टेम्पल टाइप का है, मतलब ऊपर में जाना पड़ता है. अर्जुना स्टोन बोलते हैं. हाँ, अर्जुना स्टोन मतलब ऊपर में स्टोन है. मुझे याद है, मैं कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम पे आई थी मम्मी पापा के साथ, तब ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगा था. इसका मेमोरी है, उसका कुछ मेमोरी नहीं है, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ता है. और मेरा लिप्स ऑरेंज आ रहा है. हाँ, क्योंकि उसने आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम. ये पत्थर को देखो, मतलब ये ऐसे बैलेंस में है कुछ है. देखो, अच्छा अच्छा, ये देखो पत्थर को पकड़ लिया. ये सच बात, ये मुझे इसीलिए याद है क्योंकि ये देखो बैलेंस में ही है. वहाँ पे और एक है. पहले जमाने पे बंदर भी ऐसे ही करते थे. देखो उसका लाइस को निकाल रहे हैं. देखो उकुन, 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 बच्चे उकुन. सर का जो जुए होता है वो निकाल रहे हैं. नहीं देते बाबा, जम सब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा. देखो सांते हो तब से. अरे पहले हाथ धो फिर मुंह में डालो. मैं चलो उसको, वो अपने बॉडी चुरका खमचा रहे, पेट खराब हो जाएगा ना. हाँ, पेट खराब हो जाएगा ना. इतना ना जम से. मैं चाय चाय शाम की. अभी हम लोग चेन्नई आ चुके हैं पांडिचेरी से. रात के 7:30 ऑलमोस्ट बज चुका है. एक्चुअली चेन्नई आने का मकसद कुछ और है. किसी रीजन पे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करना. और अभी हम लोग तैयार होके जा रहे हैं चेन्नई में किसी का घर, मेरे एक फ्रेंड का घर है, तो वो जाना है. काफी साल से हम नहीं गए. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. और अभी हम घूम के आ गए. रात का कितना बज रहा है? 12 o'clock. देखो चेन्नई अभी भी जगे हुए है. चलो चलो. हम घर आ गए, मतलब होटल पे आ गए. और मैंने वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया था. कहाँ पे गई थी सब कुछ डिटेल्स बता रही हूँ. कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने अभी तक नहीं शेयर किया है. इस टाइप की चीज़ है. जिनसे मिलने गई थी वो कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया. हाँ, इडली बड़ा मेरा फेवरेट, वो मेदू बड़ा खाया, बहुत टेस्टी था. एक्चुअली हम आए भी हैं चेन्नई या पौंडीचेरी इसी रीज़न की वजह से. पौंडीचेरी घूमना
वो तो एक बोलता ना बहाना था, लेकिन चेन्नई या पौंडीचेरी क्यों हमने चूज किया उसी एक रीज़न की वजह से। एक्चुअली शांतनु का एक फ्रेंड के घर गए थे चेन्नई, शांतनु का एक कोलीग बोल सकते हो, फ्रेंड बोल सकते हो, या हाँ क्या ब्रदर भी बोल सकते हो। हाँ, कि मेरा जो मुंबई में फ्लैट, मैं जहाँ पे रहती हूँ वो कंपनी प्रोवाइडेड फ्लैट है, उसमें शांतनु, मेरे शादी से पहले शांतनु और उसके दो फ्रेंड रहते थे, मतलब एक ही साथ एक ही बैच में ज्वाइन किए थे एज ए इंजीनियर, जिनका शादी हो गया सब एक एक अलग अलग फ्लैट मिल गया था, तो शांतनु उसी फ्लैट में रह गए थे, बाकी दो फ्रेंड का अलग अलग घर मिल गया था। और एक फ्रेंड थे वो है एंटनी दिनेश, एंटनी रॉय दिनेश ना, एंटनी रॉय दिनेश, दिनेश उसका नाम है, तो हम तो उसको एंटनी बोलते थे। सेम एज में सेम ही बैच में ज्वाइन किए थे और हमारी शादी भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुआ था, सेम ईयर में मेरा 17th को शादी हुआ था, मतलब मेरा दो दिन बाद उसका शादी हुआ था 19th को। तमिलियन है, मैं थे क्यों बोल रही हूँ वो शांतनु के मुंह से सुनो। बहुत कुछ चेंज हो जाता ना लाइफ में, आप बोलते हो ना मैं थे किससे इतना स्ट्रांग बनी है, डेफिनेटली ये सारे रीजन से ही स्ट्रांग बनी है। शांतनु का जो फ्रेंड थे उसका एंटनी मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड कम ब्रदर था, 10-12 साल पहले वो लोग चेन्नई शिफ्ट हो चुके हैं एक ही ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, और उसके बाद भी अगर जब भी बातें होता था 1.5-2 घंटा बातें होता था, इस तरह का फ्रेंड थे। 10 साल पहले उसका लंग्स का कैंसर डिटेक्ट हुआ था और सेम एज में, और उसका तब बेबी का कौन सा स्टैंडर्ड पे, नर्सरी लेवल पे थे। फिर वो मुंबई में दिखाया, मुंबई में तो कुछ प्रॉपर ट्रीट नहीं हुआ, और फिर और एक्चुअली ऑफिस का भी क्या बोलता है ना, मतलब देखभाल करने के लिए सब कुछ ये, हाँ क्योंकि उसका यहाँ पे उसका फैमिली है सब कुछ, मदर फादर सब था, हाँ तो उसने Somehow, कुछ अरेंज करके फिर वो चेन्नई ट्रांसफर ले लिया। अपोलो वगैरह में बहुत सारे जगह में ट्राई किया, उसके बाद नेचुरोपैथी में ट्राई किया, बहुत करके उसके बाद 10 साल खुद ही बहुत स्ट्रगल किया, खुद ही उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर, बहुत रिसर्च किया, जिस तरह से उसने कैंसर को मतलब विल पावर बहुत, मतलब जितना वो मतलब कैंसर को इस तरह से वो लिया था, तो मैं तो ये मतलब 10 साल वो सस्टेन किया, तो मतलब मुझे तो कॉन्फिडेंट है कि वो ठीक हो जाए लाइफ लॉन्ग, एटलीस्ट ही विल मैनेज, मतलब बोलता ना एक, लेकिन वही है बीमारी ने फिर वो साथ नहीं दिया। हमने सोचा था एंटनी का तबीयत जैसा भी है वो एटलीस्ट वैसा करके मतलब और भी कुछ साल तो, और एटलीस्ट वो खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट था कि आई विल लिव, फिर लाइफ जो होता है सपोर्ट नहीं किया उसको, तो वही। और मेरे फादर उसको देख के हमेशा बोलते थे एंटनी अगर ठीक हो जाएंगे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी, मेरे फादर उसको देख के बोलते है ना एक जीने का आस होता है ना, और आप लोग बोलते हो ना मैत्री तुमने क्या देखा है लाइफ में, ये सब मैंने देखा है, दिखने में बहुत सुंदर था, मतलब बोलते ना साउथ इंडियन हीरो जैसा स्माइलिंग फेस, और उसका स्माइल लुक बहुत थोड़ा सा, मैंने आज तक उसको अरविंद स्वामी, हाँ अरविंद स्वामी जैसा देखना था, और उसको कभी मैंने मुंह जैसा ऐसे बंद करके नहीं देखा, जब भी मतलब फेस टू फेस होगा तो स्माइल करता था, ब्रॉड स्माइल ऑन हिज फेस। तो उसका वाइफ कीर्ति, उसके बाद उसका एक डॉटर भी हुई, हाँ वो डॉटर भी हुई थी तब, वहाँ पे ही थे, मुंबई पे ही थे, और डॉटर जो है ना छोटी थी तब, 5 मंथ्स या 1 साल के टाइम पे वो लोग आ गए थे यहाँ पे। तो बोलते है ना लाइफ कितना स्ट्रगल होता है, कीर्ति को देख के इंस्पिरेशन, बोलते है ना मैत्री किससे इंस्पिरेशन लेते हो, ये सारे होता है हमारे इंस्पिरेशन, इतना स्ट्रगल करने के बाद अभी कीर्ति जॉब करी, जो कभी जॉब नहीं करती थी, उसका फादर डॉक्टर है, मतलब उसका दो भाई है, एक भाई तो तमिल इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में मतलब काफी अच्छे डायरेक्टर है, तो उसके बाद उसने जॉब स्टार्ट किया। 15 में मेरा फादर का डेथ हुआ था, 2016 में आई थिंक 16 या 17 में एंटनी हमें छोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद कीर्ति ने फिर से जॉब स्टार्ट किया। क्या मतलब बोलते ना लाइफ, दो बच्चे हैं उसके साथ साथ और प्लस ऑलमोस्ट अकेले रहते हैं,
इन-लॉज है आज उसके साथ बहुत वो 4-5 घंटा बात हुआ और बहुत कुछ बात ही हुआ जो हम शेयर नहीं कर सकते क्या हाँ, कुछ चीजें मैं शेयर तो नहीं कर लाइफ सकती में स्ट्रगल क्या होती है उसको देख के मतलब मुझे... जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है नोबडी सपोर्ट्स यू अभी मैं मतलब अकेले फील करती हूँ या मेरा बोलता ना मेरा माइंड पे कुछ चल रहा है हाँ मैं ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ या मैं सफर या अच्छा नहीं लग रहा है मुझे या कैसे करके हैंडल करूँ तब ये सब मुझे इंस्पिरेशन है तब इनको देख के लगता कीर्ति अगर इतनी स्ट्रगल के बाद लाइफ को इतनी अच्छी तरह से हैंडल दो बच्चों का हैंडल कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती मतलब बोलते हैं ना मैं चेन्नई आई हूँ इसी एक रीजन की वजह से प्रॉमिस किया हुआ था एंटनी का हम दोनों ने जो उस टाइम पे तो एंटनी हमेशा बोलते तुम जब अगर चेन्नई आओगे तो हम एक साथ घूमेंगे मतलब चेन्नई तुमको घुमाएंगे तो वो तो नहीं हो पाया कभी भी हम बोलते थे हाँ डेफिनेटली आऊंगे करके ऐसे ही नहीं हुआ बोलते ना एंटनी तो नहीं है लेकिन उनकी फैमिली से मिलना मेरे काम तो नहीं बोलूंगी जिम्मेदारी भी नहीं बोलूंगी ये मेरा एक विश था हाँ इच्छा था इसी वजह से हमने पांडिचेरी का प्लान बनाया था अदरवाइज इस टाइम पे स्वीटी का बर्थडे नॉर्मल सिंपल सा जैसा हम सेलिब्रेट करते उस तरह से लेकिन बोलते ना एक रीजन होना चाहिए अभी करेंगे लास्ट ईयर एक प्लान बना था सर हो नहीं रहा था तो बोले चलो इस बार तो जाना ही जाना है नहीं लास्ट ईयर भी एक प्लान बना था सोचा था सिर्फ चेन्नई जाके कीर्ति से मिलके हम और बच्चों से मिलके हम आ जाएंगे तो शांतनु का हम संभव ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुआ इसी वजह से नहीं हुआ तो मैंने इस बार ठान ही लिया था स्वीटी का बर्थडे का रीजन हिसाब से एटलीस्ट जाना तो वहाँ पे है उसका नाम है कृतिका हम उसको कीर्ति बुलाते हैं उसका लाइफ थोड़ा सेटल हो जाए मतलब देखो लाइफ तो एक लाइफ का पार्ट तो वो तो कभी सेटल नहीं हो सकता उसका आगे का जिंदगी प्रे करना बहुत अच्छी तरह से जाए दो बच्चों को वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाए और उसका दो बेटा है ना मतलब एंटनी का जेरोक्स कॉपी है रेहान उसका नाम है रेहान और बेटी का नाम है जोहैना आप सब मेरे फ्रेंड्स को प्रे करना रेहान और जोहैना बहुत अच्छा इंसान बने और उनका लाइफ बहुत सेटल उनका फादर जब उनको छोड़ के चले गए तो और भी छोटे थे क्योंकि सेम सोचो शांतनु का एज में मतलब बच्चे ने सफर किया है आगे जाके उनको बहुत ढेर सारा खुशियां मिले कीर्ति का लाइफ सेटल हो जाए सेटल बहुत कुछ है उनके पास लेकिन बोलता है ना लाइफ कुछ चीजों में सेटल नहीं है ज्यादा कुछ मैं नहीं शेयर कर सकती बस और कुछ बोलना नहीं चाहूंगी आज बोलने के मुझे कुछ वार्ड नहीं मिल रहा मुझे कुछ अच्छा भी फील नहीं हो रहा है लेकिन कीर्ति से मिलकर मेरा एक दिल का एक बोलता है ना एक विश पूरा हो गया इस तरह से लेकिन एक विश तो रह गया शायद जिंदगी में वो कभी पूरा नहीं होगा एंटनी ने हमको बोला था पूरा चेन्नई घुमाएंगे हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी कुछ चीजें नहीं रहता है तो बोलते हैं हाँ ये स्ट्रगल है किसी का घर नहीं है तो बोलते हैं स्ट्रगल है छोटी मोटी प्रॉब्लम जब भी होता है तब बोलते हैं हमारे लाइफ बहुत स्ट्रगल कर रहे बहुत सफर कर रहे सफर इसे कहते हैं स्ट्रगल इसे कहते हैं जब जिंदगी से मतलब एक आपके लाइफ पार्टनर चला जाता है तब जिंदगी क्या सफर करता है या क्या स्ट्रगल करता है कीर्ति को देख के लगता है हाँ इसे कहते हैं प्रॉब्लम हम लोग ऐसे प्रॉब्लम देख के बहुत डर जाते हैं और सामना करना नहीं चाहते या सामना करने से बोलते हैं हमारे लाइफ बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है तो इनके लाइफ भी देख के क्या बोलेंगे लाइफ को जीने का एटलीस्ट जी तो रहे हैं हम जैसा भी है जी तो रहे किसी को तो मौका भी नहीं मिलता जीने का